ये लोग यार लिटरली डरा। गुड मॉर्निंग गाइज, सो हरिद्वार का ट्रिप मेरा खत्म हो चुका है, अब मैं निकल रहा हूँ ऋषिकेश की तरफ। मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ, आई होप कि मेरे को वहाँ से बस मिल जाएगा। वैसे होटल वाले से मैंने पूछा तो उसने बोला कि इस टाइम बस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो आई एम इन माई होटल राइट नाउ, और हुआ ये कि मतलब जब मैं बस से निकला, वहाँ से बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी मत पूछो, बहुत गंदा चल रहा था। मैं विंडो सीट पर बैठा भी नहीं था, तो कुछ मतलब ऐसा सूट भी नहीं कर पाया और ना ही कुछ बात कर पा रहा था, बिकॉज बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था। प्लान था कैंपिंग का, बट कैंपिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे उस तरीके से कैंपिंग का सीन नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मतलब अपना कैंपिंग गेयर लेके रेंट पे और खुद से कैंपिंग करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में सीन ये है कि मतलब ग्रुप कैंपिंग होती है, ये प्रॉपर इनका अपना सब कुछ बना हुआ है, वहाँ पे जाके कैंपिंग करेंगे, अपने हिसाब से सब कुछ कराते हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, उसका मज़ा नहीं है कुछ। फिर मैं सोचा ठीक है अपन ऐसे फिर होटल लेते हैं, सामान रखते हैं, खाएंगे पियेंगे, फिर अपना एक्सप्लोर करते रहेंगे पूरे टाइम। ढूंढने से ही पता चलेगा। दिस रोड्स आर रिमाइंडिंग मी ऑफ गया। ये रास्ते सच में मेरे को थोड़ा थोड़ा गया के याद दिला रहे हैं। वहाँ पे जैसे स्टेट वाले जो पहाड़ थे, वैसे स्टेट मैंने तो अरब स्टेट के नीचे जा रहे थे, तो वेल काफ़ी नीचे आ गया हूँ मैं तो। रास्ते कहाँ से कहाँ निकल गए भाई, पता ही नहीं चला। हद मतलब अकेले मज़ा नहीं आया रिवर राफ्टिंग में यार। ना रिवर राफ्टिंग के लिए तुम्हारा प्रॉपर होनी चाहिए कि अपना एक ग्रुप हो, बकचोदी करते हुए जाओ। ओके सो आई थिंक ये है अब लक्ष्मण झूला, और यहाँ के बंदरों से तुम बच के रहो, दे कैन स्नैच एनीथिंग फ्रॉम योर हैंड। मेरे को लगा था शायद राफ्टिंग अभी नहीं हो रही होगी, बट यहाँ पे राफ्टिंग हो रही है। वेल इट्स रियली प्रीटी फ्रॉम हियर, आई थिंक मैं एक बार नीचे जाके जाने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम चाहो तो राफ्टिंग यहाँ कर सकते हो, बट मैं करने वाला नहीं क्योंकि मैं अकेले हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मेरा साथ देने के लिए कोई आएगा। यहाँ तैरना सख्त मना है। वेल दिस प्लेस इज रियली रियली गुड, काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। वो रहा सामने लक्ष्मण झूला, और राम झूला एकदम आगे साइड में है उसके आगे, बट दिस प्लेस इज रियली नाइस यार। थोड़ा सा डेंजरस है, बट इतना डेंजर तो चलता है ना यार, और पानी में तो नहीं गिरेंगे। दिस गाइस आर रियली हैविंग फन, बढ़िया गाना गाते हुए जा रहे हैं ये लोग। तो इस लाइक तुम्हें यहाँ पे स्टीमर एंड उसका जो सर्विस है वो मिल जाएगा। तो राफ्टिंग का तो पीछे ही था, यहाँ पे स्टीमर का सर्विस है। सो तुम्हें जैसे स्टीमर का सर्विस चाहिए होता तुम यहाँ आ सकते हो। ये रास्ता काफ़ी हाइट पे है और चलने में हालत ख़राब हो रही है। आई होप आई एम गोइंग द राइट वे। वैसे लोगों की भीड़ इधर दिख रही है, तो मेरे को लग रहा है मैं सही ही जा रहा हूँ। दिस क्यूट डॉग, हाय, है ब्लिस योगा सेंटर। वेल मेरे को नहीं करना अभी योगा भाई कोई भी। सारे बंदर है और ये बेचारे सब्जी वाले को परेशान करने की कोशिश में थे। वेल आफ्टर वॉकिंग ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स मैं लग रहा है कि पहुंच गया हूँ। दे आर हैविंग फन। हम पहुंच चुके हैं राम झूला पर, एंड द फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट जो मैंने बताया था हरिद्वार में वो यहीं पे है। द फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट जो मैंने बोला था हरिद्वार में भी ये बहुत सारा है, बट आई थिंक यहीं है फेमस। लक्ष्मण झूला पर काफ़ी भीड़ थी, बट यहाँ पर भीड़ नहीं है, लाइक बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है। भी नीचे उतरने का जगह है, तो मैं सोच रहा हूँ नीचे उतर के देख के आते हैं।
भाई बहुत लोगों को देख रहा हूँ बाइक से आ रहे हैं जा रहे हैं, देख के मन कर रहा है कि काश मैं भी बाइक से आया होता। भाई साहब एक तो ये पुल हिल रहा है पूरा, ऊपर से इसमें ये गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग ठेले लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कैसा जगह है जहाँ तुम आगे खड़े हो सकते हो, यू कैन एंजॉय द व्यू, यू कैन एंजॉय द सीनरी फ्रॉम हियर। गीता प्रेस, अच्छा ये गोरखपुर वाला गीता प्रेस है उसका शॉप है ये तो। गीता प्रेस की हालत खराब हो गई है। और इसी का साथ तुम्हें भी यहाँ पे ट्राई करना चाहिए छोटी वाले रेस्टोरेंट में। आई नो दो दो हैं, मैं कौन से पे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट ट्राई समथिंग। वेल आई वॉज फीलिंग हंगरी तो मैंने मंगाया है स्टफ्ड कुलचा और रसमलाई। एंड फूड हियर इज क्वाइट नाइस यार, अच्छा टेस्ट अच्छा है फूड का काफ़ी। डन विद दिस छोटी वाला रेस्टोरेंट। ये लोग यार लिटरली डरा। वेल आई थिंक मैं अपने होटल ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ, थोड़ा सा रास्ता मेरे को याद नहीं है। वेल मैं अपने होटल वापस आ चुका हूँ और आज थक भी गया हूँ काफ़ी ज़्यादा क्योंकि काफ़ी वॉक करा मैंने। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते तुम लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, लाइक कमेंट शेयर तुम्हारी मर्जी है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होता है, और भाई को सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।